हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी बुकर। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन की बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए, मैंने यहाँ चिकन धो लिया है और उसे मैरिनेट होने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला हुआ है। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जितनी क्वांटिटी में चिकन होगा उतना ही डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाले हैं, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाले हुए हैं, धनिया पाउडर डाले हुए हैं आधा चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाले हुए हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाले हैं, चिकन मसाला आधा चम्मच डाले हैं, धनिया पत्ती डाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाएं। और इसका टेस्ट निखर करके आए। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले के लिए मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी है, आप देख सकते हैं। लहसुन की 3 कलियाँ, थोड़े से प्याज और यहाँ काजू के 5 से 6 पीस मैंने डाला है। अब इसमें मैंने थोड़े से अदरक डाले हैं, 1 टमाटर डाला है। अब मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पैन को गर्म करने चढ़ाया है। पैन गर्म हो गया, अब इसमें मैंने तेल डाला है और यहाँ जीरा, 2 मिर्च और 1 तेज़पत्ता मैंने रखा हुआ है। अब उसमें डाला, इसे थोड़ा सा पकाना है। अब इसमें प्याज को डालना है, मैंने पहले से जो काट करके प्याज रखा हुआ था लगभग 1/2 केजी उसे डाला। इसको पकने और गलने के लिए नमक का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 कली मैंने लहसुन का डाला हुआ है, इसे भी प्याज के साथ ही पकाएंगे। देखिए, प्याज पक चुका है। अब मैंने पहले से जो मसाला तैयार करके रखा था उसे डालना है और साथ में मिलाना है अच्छी तरह से। प्याज और मसाला एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। अब 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला हुआ है, मसाले के हिसाब से मैंने नमक डाला है इसमें। मैंने पहले से भी मैरिनेट होने के लिए नमक डाला था। अब 1 चम्मच और मिर्च पाउडर डाला है, इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला गया है, इसे ठीक से मिलाएंगे। थोड़ी देर ढक ढक के पकाएंगे। देखिए, धीरे धीरे इसमें कलर आना शुरू हो गया है। जब मसाला पक जाए तो इसमें चिकन डालेंगे। अब चिकन को मसाले में अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहें ताकि चिकन जले नहीं। मीडियम आंच पे इसे पकाना है। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए इसमें कलर, कश्मीरी लाल मिर्च का कलर कुछ और ही निखर के आता है।
देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। चिकन अब भुना जा चुका है। अब मैंने एक गिलास पानी डाला है। अब इसे मैंने अच्छे से मिलाया हुआ है। थोड़े देर के लिए इसे ढक दें। फिर से मैंने एक गिलास लगभग पानी डाला है और इसे थोड़े थोड़े देर में पकाते रहें। अब इसे फिर से ढक दें। देखिए धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है। कलर आ चुका है। कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें और ट्राई करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।